हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज दर्टी फर्स्ट लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टिंग जो कि हमारा क्या है फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये टॉपिक इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक डायरेक्टिंग है इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं लास्ट के फाइव लेक्चर्स में ये हमारा छठा लेक्चर है डायरेक्टिंग का डायरेक्टिंग एक लेंदी टॉपिक है बट बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट भी है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और डायरेक्टिंग के अंडर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं ठीक है इसीलिए थोड़ा ये लेंदी हो गया प्लस मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग ठीक है

एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मोटिवेशन में भी हमने नीड थ्योरी डिटेल में पढ़ा था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जरूर जो मेरे पीछे के लेक्चर्स हैं उनको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा मैंने सेपरेट प्ले बनाई हुई है ये जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है इसकी मैंने सेपरेट प्ले बनाई हुई है तो जरूर एक बार देखिएगा और मैंने नंबरिंग की हुई है तो इजिली आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं हमने तीन एलिमेंट तो पढ़ लिए डायरेक्टिंग के आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट कौन सा है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का ठीक है तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इवन बिजनेस कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे अगर बी कॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या बी सी ए कर रहे हैं या एम बी ए कर रहे हैं ठीक है आप इन अगर इन कोर्सेज में है या बीटेक वाले भी फर्स्ट ईयर में सभी के कैरिकुलम में बिजनेस कम्युनिकेशन का एक पेपर रखा जाता है ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन वही बिजनेस कम्युनिकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है तो ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन दिस इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कॉमन ठीक तो है और यही तो पर्पज है कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन का यही पर्पज है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कम्युनिकेशन का क्या परपज है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सेंडर कौन है जो अपनी बात कह रहा है जो मैसेज सेंड करना चाहता है रिसीवर कौन है जो सुन रहा है जो मैसेज रिसीव करता है वो रिसीवर हुआ जैसे इस टाइम मैं और आप मैं सेंडर हूँ आप रिसीवर हैं मैं अपनी बात आप तक कह रही हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं सुन रहे हैं ठीक ठीक तो है 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 तो तो हुआ से जिसका मतलब है common, इसका और यही communication में होता है, एक common understanding, जो मैं मैं समझ रही हूं, वो मैं आपको समझाना चाहती क्रिएट तो करना बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ठीक फिर एक और डिफिनीशन मैंने डिटेल डिफिनीशन लिखी है कि कम्युनिकेशन क्या है इट्स अ प्रोसेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज व्यूज थॉट्स फैक्ट्स, फीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में अपने जो भी आइडियाज हैं जो भी व्यूज हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं उनको जब एक्सचेंज करते हैं ना तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कम्युनिकेशन ठीक है ताकि वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सके यानी मैं इस समय जैसे सेंडर हूं मैं अपने जो भी मुझे जो भी थॉट्स है जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो भी मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी समझती हूँ ठीक है वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ ताकि हम दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच सके जो मैं समझ रही हूँ वो आप भी समझें ठीक है तो दिस इज कम्युनिकेशन इसे कम्युनिकेशन कहते हैं ठीक ये तो हो गया नॉर्मल उसमें बट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है हाँ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एम्प्लॉई हर मैनेजर के लिए हर मैनेजर या हर एम्प्लॉई अगर अपने करियर में ग्रो करना चाहता है सक्सेस चाहता है तो ही मस्ट है गुड कम्युनिकेशन स्किल उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ठीक है देखिए कोई मैनेजर है ठीक है या कोई भी एम्प्लॉय है उसके अंदर बहुत अच्छी प्रोफेशनल नॉलेज उसको बहुत अच्छी है इंटेलिजेंस बहुत अच्छी उसको उसके अंदर बहुत टैलेंट है बहुत स्किल है ठीक है लेकिन अगर वो अपनी बात नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा ठीक है अपने जूनियर्स को अपने सब को अपने कलीग्स को नहीं समझा पा रहा अपनी बात है जो भी नॉलेज है उसे कन्वे नहीं कर पा रहा तो उसकी सारी नॉलेज क्या है बेकार है

के जितने भी अभी हमने एक्शन पढ़े वो तो इन सब में तो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है बिना बोले तो काम ही नहीं होगा अच्छा एक चीज अभी और मैं आगे बताऊंगी कम्युनिकेशन ये नहीं होता है, कि बोलना। written communication भी होता है। ये तो ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है अभी ठीक है रिटर्न भी होता है तो अभी खैर मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगी बट इन सारी ही चीजों के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ठीक है तो दिस इज कम्युनिकेशन ये होता है पूरा कम्युनिकेशन आई होप अब आपको अच्छे से कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं तो देर आर एट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के आठ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं ठीक है थीके? और एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे ये कैसे फ्लो हो रहा है मैं अभी मैं समझाऊंगी ये डायग्राम जरूर बनाएंगे और इसके बाद हर एक ये जो एलिमेंट है इसके बारे में डिटेलिंग आप लिखेंगे एग्जाम में एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पूछा गया और अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया तो वो अधूरा माना जाएगा क्योंकि इस डायग्राम बनाने से ये पूरा समझ में आ रहा है कि फ्लो कैसा हो रहा है इसमें ठीक है अब वैसे भी हमने पढ़ा है ना कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ये प्रोसेस है यानी देयर आर स्टेप्स प्रोसेस है तो कुछ स्टेप्स हैं तो ये स्टेप किस सीक्वेंस में चल रहे हैं वो हमें इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है ठीक तो एलिमेंट कितने होते हैं आठ एलिमेंट होते हैं कौन कौन से सबसे पहला आता है सेंडर सेंडर जैसे अगर हम और आप इस समय बात कर रहे हैं ठीक है आप नहीं बात कर रहे हैं मैं ही बात कर रही हूँ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है इस समय ठीक है बट आप फीडबैक दे रहे हैं खैर अभी मैं फीडबैक या ये पॉइंट है चलिए मैं अभी फीडबैक के बारे में बताऊंगी बट बत यहाँ पर अगर जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें सेंडर कौन है सेंडर मैं हूँ

एलिमेंट क्या है message. Message क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन ये बेसिकली कंटेंट होता है जो आइडिया जो थॉट जो फीलिंग जो सजेशन जो जो कुछ भी मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ ना जो भी मैसेज आप तक कन्वे कर रही हूँ दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ठीक है

इनकोडिंग वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू मैं अपने मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स में कम्युनिकेशन सिंबल मतलब और आप तक पहुंचाती हूँ इसको इनकोडिंग कहते हैं इनकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग देखिए मैं मेरे जो भी थॉट्स हैं मेरे जो भी आइडिया आइडिया है, है मेरी जो भी समझ है जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे अगर आप तक पहुंचानी है तो अपनी बात को मुझे वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में किसी वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ पिक्चर्स भी लगाऊंगी ये देखिए मैंने पिक्चर्स ये लगाई है ना पीपीटी मैंने क्रिएट की है ठीक है उसपे कुछ ये पिक्चर्स लगाई है तो मुझे पिक्चर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अगर मैं अगर आप फेस टू फेस आपसे आपको पढ़ा रही होती तो कुछ जेस्चर होते मेरे ठीक है तो इनकोडिंग क्या है इनकोडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स सिंबल्स ये सब क्या है हैं कम्युनिकेशन सिंबल में हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ताकि जो जो रिसीवर है है ठीक आप मेरा मैसेज समझ सके ठीक है तो दिस इज इनकोडिंग ठीक इनकोडिंग हो गया उसके बाद क्या होता है उसके बाद मैंने मैसेज की इनकोडिंग कर ली उसके बाद आएगा फोर्थ एलिमेंट दैट इज मीडिया ठीक है फोर्थ एलिमेंट आएगा मीडिया मीडिया क्या होता है मीडिया वो पाथ होता है वो चैनल होता है वो मीडियम होता है जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज ट्रेवल करता है जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज ट्रांसमिट होता है ठीक है मीडिया क्या है मीडिया वो पाथ होता है वो चैनल होता है वो मीडियम होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो करता है ठीक जैसे ये जो कम्युनिकेशन है हम रिटर्न कम्युनिकेशन भी कर सकते थे मैं आपको रिटर्न में नोट्स भेज दूं मेल कर दूं तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया फेस टू फेस अगर मैं आपको गूगल मीट पे पढ़ाऊं ठीक है या किसी दूसरे मीडियम पे पढ़ाऊं तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया फिलहाल हमारा फेस टू फेस नहीं चल रहा है मैं आपको वीडियो अपनी ऑडियो के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ ठीक है तो ये भी एक मीडियम है एक टेलीफोन के थ्रू ठीक है टेलीफोन के थ्रू लेटर के थ्रू इंटरनेट के थ्रू वीडियो के थ्रू तो ये सब क्या है ये सब मीडिया है कम्युनिकेट करने का मीडिया तो मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर तो करूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गोस दिया ठीक है थीके? ये पांचवा एलिमेंट होगा पांचवा एलिमेंट होगा डी तो डी क्या होता है देखिए इनकोडिंग में मैंने क्या किया मैंने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया कम्युनिकेशन सिंबल में अपने वर्ड्स में पिक्चर्स में जेस्चर में ठीक है सिम्बल्स में कन्वर्ट किया अब वो मैसेज आप तक पहुंच गया है ठीक है मीडिया के थ्रू पहुंचा है ठीक है बट अब आप क्या करेंगे आप करेंगे उसकी डिकोडिंग 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 क्या होती है इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द इनकोडेड मैसेज इन टू इफेक्टिव लैंग्वेज जो भी मेरा इनकोडेड मैसेज आप तक पहुंचा है ठीक है अब आप इसको क्या करेंगे जो भी इफेक्टिव लैंग्वेज जैसे भी आप इसको समझ सकें उस लैंग्वेज में उस फॉर्म uh, में उसे कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग इसको डिकोडिंग कहते हैं ठीक है मैंने इनकोड करके भेजा पिक्चर्स में लैंग्वेज में वर्ड्स में इसे कन्वर्ट कन्वर्ट करके भेजा फिर फिर आप इसको समझने के लिए अपनी उसमें करेंगे तो दैट इज डिकोडिंग ठीक और उसके बाद उसके बाद आता है सिक्स एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज रिसीवर रिसीवर कौन है यहाँ पर रिसीवर आप है रिसीवर वो पर्सन होता है हु रिसीव द मैसेज फ्रॉम सेंडर सेंडर ये जो था सेंडर जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था इसने मैसेज भेजा ठीक है और फाइनली रिसीवर जो सिक्स एलिमेंट है उस तक मैसेज पहुंच गया ठीक है तो दिस इज रिसीवर यहाँ पे हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें आप रिसीवर हैं ठीक है थीके? अब इसमें एक चीज और आती है ये तो सिक्स एलिमेंट हो गया सेवेंथ एलिमेंट क्या आता है फीडबैक ठीक है मैं आपसे अपने वीडियोज में कहती रह, रहती हूँ ना कि मुझे फीडबैक दिया करिए आई वॉन्ट टू नो की हाउ वॉज माई लेक्चर मेरा लेक्चर कैसा था तो यही तो फीडबैक है तो फीडबैक क्या होता है विदाउट फीडबैक या कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता है ठीक है अच्छा वो सब बातें अभी छोड़ दीजिएगा जो मैं अभी कह रही थी ना कि फीडबैक दिया करिए वो अभी एक अलग कॉन्सेप्ट है फिलहाल यहाँ पे जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कोई भी कम्युनिकेशन ठीक है कंप्लीट नहीं माना जाता है विदाउट फीडबैक फीडबैक तो चाहिए ठीक है फीडबैक क्या होता है फीडबैक मतलब होता है एक्शन ऑफ रिसीवर देखिए सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा ठीक है बट रिसीवर को मिला कि नहीं मिला ठीक है उसने समझा कि नहीं समझा तो वो वही होता है फीडबैक ठीक है तो फीडबैक ये जो रिसीवर होता है ये क्या करता है फीडबैक देता है किसको सेंडर को ठीक है ये जो रिसीवर होता है ये फीडबैक देता है सेंडर को कैसे फीडबैक देगा अगर मेल अगर सेंडर ने कोई मेल किया है तो मेल का रिवर्ड दे सकता है ठीक है थीके? अगर सपोज करिए नॉर्मल कोई क्लासरूम है ठीक है अगर सपोज करिए मैं फेस टू फेस आपको पढ़ा रही हूँ नॉर्मल क्लासरूम है तो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ठीक है बट आप कैसे फीडबैक दे सकते हैं आप अपने जेस्टर से ठीक है आप बच्चे सर हिलाते हैं ना ऐसे करके सर हिलाते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है अपने आई कॉन्टेक्ट से अपने मतलब अपने बॉडी लैंग्वेज से आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि येस यू आर अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे हैं ठीक है तो रिटर्न में भी फीडबैक होता है अपने जेस्टर से अपने पोस्टर से सिंबल से फीडबैक दिया जाता है तो फीडबैक ये कौन देता है रिसीवर देता है किसको सेंडर को ठीक है और यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियो डालती हूँ वहां पे फीडबैक आप कैसे दे सकते हैं अभी अलग कॉन्सेप्ट है आप फीडबैक कैसे दे सकते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया है. तो वो फीडबैक है ठीक है अब सेवेंथ uh, एलिमेंट हो गया अब आ जाते हैं एट्थ एंड लास्ट एलिमेंट दैट इज नॉइस

और ये जो हिंड्रेंस होता है किसी की तरफ से भी हो सकता है सेंडर की तरफ से भी हो सकता है रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है ठीक है जैसे अगर इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है या टेलीफोन अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं तो पुअर टेलीफोन कनेक्शन है ठीक है तो वो सब आता है नॉइस में या फिर अगर इन अटेंटिव रिसीवर हो जो रिसीवर है वो ध्यान नहीं दे रहा है और वो तो वो बात अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो भी नॉइस में आता है राइट तो दीज आर द एट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ये थे आठ एलिमेंट ठीक है एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करके शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ सबसे पहले सेंडर ने मैसेज भेजा मैसेज को किया सेंडर ने इनकोड इनकोड करके मीडिया के थ्रू भेजा फिर मीडिया के थ्रू रिसीवर को पहुंचा रिसीवर ने किया डिकोड फिर रिसीवर तक पहुंच गया फिर रिसीवर ने क्या दिया फीडबैक दिया किसको सेंडर को ठीक खत्म हो गई कहानी बीच में आ सकता है नॉइस अगर कोई डिस्टरबेंस है तो नॉइस आ सकती है तो दिस इज द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ये था पूरा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एट एलिमेंट होते हैं ठीक तो हमें अब अच्छे से कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया है ना तो कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है कम्युनिकेशन क्या है एक सोशल प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में अपनी फीलिंग अपने जो भी इंफॉर्मेशन अपनी जो भी नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं ठीक है एंड कम्युनिकेशन इज अ परवेसिव फंक्शन अगर फीचर पूछा जाए कम्युनिकेशन का तो आप बता सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ परवेसिव फंक्शन कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर कम्युनिकेशन के बिना तो काम ही नहीं होगा ठीक है चाहे अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल होते हैं इन्हें भी आपस में कम्युनिकेट करना होता है जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इन्हें भी आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है कम्युनिकेट करना होता है ठीक है बिना कम्युनिकेशन के तो काम नहीं होने वाला एंड कम्युनिकेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ये चलता रहता है कभी कम्युनिकेशन नहीं रुकता ठीक है कुछ रुक जाए जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी कम्युनिकेशन चलता रहेगा ठीक है, है? अच्छा मुझे याद आ रहा है कोरोना टाइम में क्या हो गया था लॉकडाउन हो गया था ठीक है कोरोना टाइम में लॉकडाउन हो गया था 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था पहली बार तब क्या हुआ था लोग अपने अपने घरों में पैक हो गए थे तो क्या लोगों के बीच में कम्युनिकेशन रुक गया था क्या नहीं ठीक है फेस टू फेस इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो गया था लोग फिजिकली एक दूसरे से जाके नहीं मिल रहे थे लेकिन उस समय टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू लोग फिर भी आपस में कम्युनिकेट करते ही थे बिना कम्युनिकेशन के तो कोई सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता है तो कम्युनिकेशन सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है बिना बोले आप रह सकते हैं बिना अपनी बात कहे दूसरे से रह सकते हैं ठीक है तो कम्युनिकेशन और कोई ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक टीम होती है और टीम तो मिलके ही काम करती है तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाता है और ये टीम मिलके काम तब कर पाएगी जब ये आपस में अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है जो भी नॉलेज है जो भी आइडियाज हैं जो भी थॉट्स हैं जो भी फैक्ट्स फिगर उन्हें जब आपस में शेयर करेगी ठीक तो है तो कम्युनिकेशन सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ तो ये सब मैंने आपके लिए अपलोड किया है इसका फायदा उठाइए खुद भी पढ़िए फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए ठीक है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं कुछ साल बाद देख रहे हैं ना तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूंगी ठीक है और अभी तक मेरे चैनल पे 370 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स ऑन दिस सब्जेक्ट में अपलोड कर चुकी हूँ इन सब की सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे ठीक है तो उसका फायदा उठाइए ठीक है एंड प्लीज uh, मुझे कमेंट सेक्शन में क्या दिया करिए फीडबैक अभी पढ़ा ना हमने फीडबैक तो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन तो कम्प्लीट नहीं माना जाएगा फीडबैक के बिना तो मेरा लेक्चर भी मैं पूरा नहीं मानूंगी जब तक आपका मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के चैनल तो चैनल क्या होता है चैनल वो पाथ होता है थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जो फ्लो करती है तो जिस पाथ से फ्लो करती है ठीक है जिस पाथ से इंफॉर्मेशन फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड चैनल उसको चैनल कहते हैं ठीक है एंड देयर आर टू टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अगर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट चैनल होते हैं एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ठीक है और ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तीन फर्दर टाइप का होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी ऐसा वर्टिकल कम्युनिकेशन दूसरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड तीसरा डायगनल कम्युनिकेशन ठीक है डायगनल ऐसा होगा डायगनल कम्युनिकेशन तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ये तीन डायरेक्शन के बेसिस पे ये तीन टाइप के हो सकते हैं फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन भी दो टाइप का होता है ठीक है एक होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे और एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर ठीक है तो अब खैर अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया अभी मैं इसको डिटेल में अब आगे, आगे आपको बताऊंगी पर एक बात जान लीजिए अगर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाए तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये जरूर आप बनाएंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आते हैं फॉर्मल तीन टाइप का होता है ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन और इसमें वर्टिकल फिर फर्दर दो टाइप का होता है तो ये डायग्राम ये जो फ्लो चार्ट है ये आप जरूर बनाएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे ठीक है चलिए अब देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है तो फॉर्मल नाम से ये समझ में आ रहा है फॉर्मल है ये यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ठीक है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन

एम्प्लॉ कम्युनिकेट अबाउट ऑफिशियल मैटर है ऑर्डर्स है इंस्ट्रक्शन है ठीक है और भी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज हैं ठीक है थीके? उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस होता है एंड दिस कम्युनिकेशन कैन बी ओरल कैन बी रिटर्न ये जो कम्युनिकेशन है ये ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है ठीक है तो दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन और अभी मैंने बताया था फॉर्मल कम्युनिकेशन को अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पर डिवाइड करें तो इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायग्नल कम्युनिकेशन ठीक और वर्टिकल में दो होते हैं एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक अपवर्ड कम्युनिकेशन ठीक अभी क्या होते हैं ये अभी मैं आगे, आगे आपको बताऊंगी चलिए आगे देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो फॉर्मल तो समझ में आ गया अब देखते हैं इनफॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है तो फॉर्मल का जस्ट अपोजिट इनफॉर्मल यानी वो कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसमें कोई फॉर्मल लाइन नहीं हो ठीक है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसकी एक प्रॉपर चेन होती है ठीक है ऐसे करके एक प्रॉपर चेन प्रॉपर हायरार्की में कम्युनिकेशन होता है एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो दैट इज इनफॉर्मल ठीक है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों होता है बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉई एम्प्लॉई आपस में सोशल इंटरेक्शन करते हैं अपने दिल की बात अपने जो भी डिजायर है जो भी व्यूज हैं जो भी थॉट्स हैं ठीक है थीके? Uh, काम के अलावा जो भी थॉट्स वगैरह हैं वो शेयर करते हैं ठीक है घर परिवार की बात करते हैं अपने हेल्थ के बारे में और भी दूसरे टॉपिक पे बातें करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन जो होता है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ठीक है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्रेप पॉइंट डायरेक्टली पूछा जाता है कि वॉट इज ग्रेप पॉइंट तो ग्रेप वॉइट क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन तो ग्रे प्वाइंट बेसिकली ऐसा होता है ये अंगूर का ऐसा वाइन्स होती है ठीक है तो ये क्या होती है ये जैसे चारों तरफ फैलती है ना ये देखिए इसीलिए मैंने एक पिक्चर ली है तो ये जैसे चारों तरफ ऐसे करके इसकी लताएं जो इसकी डंडियां हैं ये ऐसे करके चारों तरफ फैलती हैं इसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैलती है ना वैसे ही जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए इसका नाम ग्रे पॉइंट रखा गया है ग्रे पॉइंट ऐसा होता है तो जैसे ग्रेप वाइन चारों तरफ इसकी ब्रांचेस फैलती हैं उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी क्या होता है चारों डायरेक्शन में ठीक है विदाउट द लेवल ठीक है भले ही उस एम्प्लॉय की जो भी पोजिशन हो जो भी स्टेटस हो जो भी लेवल का इंप्लॉय हो जिस भी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो ये मैटर नहीं करता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चारों तरफ, तरफ जैसे ग्रेप व्इन की ब्रांचेस चारों तरफ फैलती हैं वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चारों तरफ फैलता है ठीक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है जैसे कैंटीन में बैठ के टी टॉक हो रही है ठीक है चाय पे चर्चा हो रही है ठीक है र्यूमर्स पे बात हो रही है कि उस पर्सन का ट्रांसफर होने वाला है उसका उसका प्रमोशन होने वाला है उसका डिमोशन होने वाला है ये सब जो बातें होती हैं दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ठीक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की खास बात है कि ये बड़ी तेजी से फैलती है इट स्प्रेड वेरी रैपिडली अच्छी बातें जल्दी नहीं फैलती बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है इट स्प्रेड रैपिडली बहुत तेजी से फैलती है ठीक है एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि वो एक लाइन में एक फॉर्मल लाइन में ट्रेवल करता है तो इसलिए अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर कहीं लीक होता है या फॉर्मल uh, कम्युनिकेशन में कोई भी पता करना हो कि उसका सोर्स क्या है ठीक है तो वो आसानी से पता किया जा सकता है बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है क्योंकि ये चारों तरफ फैलता है ठीक है और बहुत तेजी से फैलता है इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू तो डिटेक्ट द दे सोर्स ये शुरू कहाँ से हुआ ये र्यूमर ये गॉसिप शुरू कहाँ से हुई ये पता करना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत मुश्किल है ठीक है एंड इवन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी कभार क्या है? होता है जो कंपनी का जो मैनेजर होता है ना वो कभी कभार इनफॉर्मल ये जो कम्युनिकेशन के चैनल है इनका यूज करता है टू नो द रिएक्शन ऑफ सब ऑर्डिनेट यानी सपोज करिए जो मैनेजर है उसने कोई पॉलिसी बनाई ठीक है अब ये पॉलिसी सब को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है सब का क्या रिएक्शन है उसको जानने के लिए कभी कभार मैनेजर जो है इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज करता है ठीक है तो दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन राइट अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक चीज और है कि इट जनरेट रूमर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन र्यूमर जनरेट करता है जो इसमें फ्लो करती है हमेशा वो ऑथेंटिक नहीं होती है हमेशा उस पर भरोसा नहीं कर सकते ठीक बट अच्छा मैनेजर कौन होता है अच्छा मैनेजर इंटेलिजेंट मैनेजर वो है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको यूज करें और जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसको क्या करे उसको मिनिमाइज करे ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसके बहुत फायदे भी हैं इसके बहुत नुकसान भी हैं तो अच्छा मैनेजर वो है जो फायदों को यूज करे और निगेटिव को मिनिमाइज करे ठीक तो दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ आज तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन बता दिया फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेकिन अभी इसके आगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और डाइग्नल कम्युनिकेशन है और उसके साथ ही आगे हमें पढ़ना है नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है कम्युनिकेशन का नेटवर्क होता है फॉर्मल में अलग होता है इनफॉर्मल में अलग होता है प्लस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स होते हैं हैं चार इंपॉर्टेंट बैरियर तो वो हमें पढ़ना है ठीक है आगे तो चलिए आज आज का लेक्चर लेक्चर यहीं यहीं पे वाइंड अप करती हूं. आज के में यही तक रखते हैं अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में उसके आगे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड बैरियर्स ठीक तो चलिए फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से क्या आप देंगे फीडबैक मैंने बताया ना फीडबैक तो बड़ा जरूरी है तो जल्दी से मुझे दीजिए फीडबैक बताइए हाउ वॉज दिस लेक्चर तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा गॉड ब्लेस यू